हेलो एवरीवन, मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं माइक्रोवेव में शक्करकंदी को कैसे उबालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोशिश करें कि शक्करकंदी के एक जैसी मोटाई वाले ही पीस लें। तो सबसे पहले हम इनको वॉश कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई डस्ट वगैरह लगी है तो वो भी निकल जाएगी, और साथ ही हमें शक्करकंदी को थोड़ा सा गीला भी करना है। शक्करकंदी को मैंने धो लिया है, तो अब हम एक फोक लेकर शक्करकंदी के सारे पीसेस को प्रिक करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर फोक से प्रिक करेंगे। आप चाहें तो आप चाकू से भी इसको कट लगा सकते हैं। तो एक पीस मैं कट लगा कर भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से चाकू से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर शक्करकंदी के पीस में कट लगाएंगे। तो इस तरह से माइक्रोवेव में शक्करकंदी आसानी से पक जाएगी। शक्करकंदी पीक करने के बाद कोई भी एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन या फिर प्लेट में हम शक्करकंदी रखकर माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। तो माइक्रोवेव को मैंने ऑन कर दिया है। अब माइक्रो मोड पर हम 5 मिनट का टाइम लगा देंगे। पांच मिनट होने के बाद एक बार शक्करकंदी को पलट देंगे और फिर से माइक्रो मोड पर 5 मिनट का टाइम लगा देंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 10 मिनट का टाइम लगाया है। हरेक माइक्रोवेव में टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। किसी किसी माइक्रोवेव में 1-2 मिनट ज्यादा भी लग जाते हैं और किसी में कम टाइम लगता है। तो अभी टोटल 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम माइक्रोवेव को स्टॉप करेंगे। तो शक्करकंदी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, आप इसे नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको शक्करकंदी को छील कर और फिर काट कर भी दिखाती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी शक्करकंदी खाने के लिए तैयार है। आप चाहें तो आप इसकी चाट बनाएं या फिर इसकी कोई भी रेसिपी तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।